अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ज्यादा खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता लग गया होगा टाइटल से भी और थंबनेल से भी। आज मैं कर रही हूँ नूडल, स्पाइसी वाले नूडल्स चैलेंज कर रही हूँ। और बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की हुई थी कि आप अपनी फ्रेंड के साथ करें, सिस्टर्स के साथ करें, हस्बैंड के साथ करें, तो उनके साथ भी आने वाली वीडियोस में मैं करती रहूंगी। लेकिन आज जो है, आज मैंने पकड़ लिया सैरिश को कि चलो आओ हम लोग नूडल्स चैलेंज करते हैं। और स्पाइसी नूडल्स चैलेंज में ना करते हुए मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। और ना मुझे, मैंने सैरिश से मैंने पूछा तो सैरिश के लिए मैंने तो एक दफ़ा ट्राई किया हुआ, तो सैरिश तुमने ट्राई किया हुआ, कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तो वो लोग, आप लोग खुद देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस है मैरिज के साथ, फर्स्ट टाइम। तो मैं ये कह रही हूँ, ये जो इनकी बालियां ना, इनसे भी बाहर धुआं आने वाला है। और सैरी जैसे कह रही है कि मैंने तो ट्राई किया हुआ है, लेकिन जो है ना सैर मैविश के कानों से भी धुआं निकलेगा। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, और फौरन से अब किचन में चलते हैं। किचन में हम बनाना स्टार्ट करते हैं और खूब मजा आने वाला है। और मुझे ना सच में अंदर अंदर से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन सैरिश कह रही है कि वाकई स्पाइसी होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं कि आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। जो आपने बड़ी तैयारी की है ना, लाइनर शाइनर लगा के, अभी इनका लेना जो है ना नीचे आने वाला है। मुझे ये कह रही है, इसीलिए नहीं लगाया, ये देखें सैरिश ने नहीं लगाया, और मैं तो आपको पता लगाती हूँ, तो फिर मैंने लगाया, मैं लाइनर लगाती हूँ, मुझे पसंद है। तो अब देखते हैं कि आंसू निकलते हैं क्या होता है। तो किचन में चलते हैं और किचन में देखते हैं कौन से वाले, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम कौन से वाले बना रहे हैं। हम ये वाला पैक बनाने लगे हैं, ये वाला पैक बनाने लगे हैं। और हम लोगों ने एक पैन ले लेना है और इस तरीके से बनाना है, सारी चीज़ें डालनी है, वो आप लोगों को साथ साथ में दिखाती हूँ। जी हम लोगों ने अपनी चाय वाली पतीली ले ली है, चाय वाला सॉस पैन, और हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं। और इसमें मैंने एक कप पानी लिया है, एक कप पानी लिया है। और अभी साथ ही हम इसके अंदर खोल के अपना ये स्पाइसी नूडल चैलेंज, और ये वाला जो है ना मल्टीप्लाई टू वाला है, जो जो सुपर स्पाइसी है ना, ये वो वाला पैकेट है। तो मैं एक्साइटेड भी हो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। अच्छा अंदर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके अंदर से क्या निकलेगा। पहले तो ये इसका ये पूरा ये है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ इसके साथ हमें उन लोगों ने क्या क्या दिए हैं वो भी मैं निकालती हूँ सॉस से। और इसका थोड़ा सा है, ये भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, ठीक हो गया। और साथ इन लोगों ने ये, आप कहें कोई फ्लेक्स वगैरह हैं इनके, कोई बीज चीज हैं, वो निकाल के हम अभी हम डालेंगे जब थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका मेन सॉस मुझे लग रहा है, जो स्पाइसी वाला है ना, ये वाला सॉस लग रहा है। तो ये थोड़े से भी नरम हो जाए, उसके बाद फिर ये हम डालते हैं, और एंड में हम ये ऐड करें। पानी थोड़ा कम है, चले मैं पानी थोड़ा सा और ऐड करती हूँ। थोड़ा सा चले और ऐड कर लेते हैं। मुझे वैसे जूसी जूसी वाला पसंद है, लेकिन सैरिश ये कह रही है कि ना ये ड्राई ड्राई खाते हैं, ड्राई ड्राई ज्यादा सही रहता है। तो ये बस इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट में ये बन जाएगा, 10 मिनट में, 5 मिनट में ही थोड़ा सा होता है, तो फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखें अब इसको बॉयल आ गया है, बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर इसका स्पाइस जो है वो डाल देंगे अंदर इसके। सारा डाल दूं या थोड़ा बचा लो? सारा डालो, बेमानी नहीं करनी। ओके फिर निचोड़ दूं? निचोड़ भी दे अच्छा वाला, ताकि सही से पता तो चले स्पाइसी है या नहीं है। अब खा रहे हैं तो पता चले स्पाइसी है या नहीं है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब इसके अंदर और क्या डालेगा सर? बताएं इसका है, एक और इसका है कुछ असल स्पाइसी ऐड करें सरिश। मैं इसी वजह से अपने सामने बनवा रही हूँ, खुद भी साथ साथ खड़ी हूँ। मैंने लगा मैं बिजी थी, मैंने चले सरिश आप बना ले, मैं इसलिए सर पे खड़ी हूँ कि मैं भी। ये मुझे कह रही है कि मैं खड़ी हुई हूँ इसलिए कि मैं चिटिंग ना कर लूं, और मैं कह रही हूँ कि मैं इस वजह से खड़ी हूँ कि ये चिटिंग ना कर ले। आप देखते हैं, आप लोगों ने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ना आप लोगों ने बता देना, कमेंट करके बताना है कि आप किसके साथ हैं, और देखते हैं कौन जीतेगा। गैस कीजिएगा कौन जीतेगा, सैरी जीतेगी। तो आप लोग से डेली होती है, ठीक है, और आप लोग भी डेली मैं से आज आप सब लोगों ने होना है मेरे साथ। तो आज देखते हैं कौन जीतता है, कि सैरी जीतती है मैं जीतती हूँ, क्योंकि स्पाइसी खाने की आदत है, क्योंकि हम लोग जो है ना अपने घर में भी स्पाइसी खाना बनाते हैं। इजाज को भी आज आपकी यूट्यूबर को हराना है। ओ माय गॉड, नहीं 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 हम हारेंगे नहीं, अब देखते क्या होता है। सैरी जीती है, मैं जीतती हूँ, बड़े मुझे ना वैसे जो ना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए ना, मैं खुद ही हारी हुई हूँ।
ये बात भी हो सकती है। चले अब हम लोग जो है ना टेबल पे मिलते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बस रेडी होने वाला है। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही मजे के बॉयल आ रहे हैं और मजेदार। ये मैंने निकाल लिए हैं अपने प्यारे से बाउल और बस हमारे नूडल्स जो है रेडी होने वाले हैं वो मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि इसका कितना सॉस रह गया और उसके बाद हमारे ये रेडी हो जाएंगे। यम्मी यम्मी, मुझे इसको तो देख के ना मिर्ची लग रही। बस तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं, ये हमारा डन हो चुका है और अब हम इसके अब ये डन हो चुका है और हम इसको बाउल में डालेंगे। और भाई मानी बिल्कुल भी नहीं करनी, ये ना हो कि अपने वाले में थोड़े डाल लो मेरे वाले में ज्यादा डाल लो, भाई मानी कुछ नहीं चलेगी इंसाफ के साथ। इनको जो है ना वो तोड़ लेना चाहिए था, नहीं से टूटे हुए फिर फॉक के ऊपर आते नहीं है। इसको कन्वर्ट करो, कैंची से काट लो। चलो इधर आओ, चलो 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 करते हैं हम। बर्थडे चलो अब फॉक रखी जाए। मुझे लग रहा है इसमें थोड़े से ज्यादा है, ज्यादा है। चले देख लें आप, इसको हम करेंगे फॉक से। फॉक से तकरीबन दोनों में हम बराबर बराबर करते हैं और फिर हम लोग आप लोगों को टेबल पे मिलते हैं। फॉक कहाँ गया जी? हमारे आगे हैं बाउल और बाउल में आप लोगों को दिखा दिए कि क्या क्या क्वांटिटी है, तो बिल्कुल बराबर बराबर कर लिए ताकि बिल्कुल भी चीटिंग ना हो। बिल्कुल, तो मैं हालांकि कह रही थी कि ना पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देख लूँ कि एक मेंटली तौर पे बंदा रेडी हो जाता है ना, कि रेडी हो जाए कि अंदर हजम भी होगा और बर्दाश्त भी की जाएगी, तो लेकिन बिल्कुल सैरिश ने बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने दिया कि नहीं जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना आपका वो हम लोगों ने नोट करना है। तो पानी भर लिया, थोड़ा खाने से पहले पानी पी लिया जाए। और आज सैरिश मेरे घर आई है, जो जीतेगा कंचू पे दावत वो देगा। ओ ये डन है, डन हो गई है, डन है, बस सही है। अब हम लोगों ने शर्त वगैरह इस तरीके की नहीं लगाई कि पेमेंट रखें और ये आपकी पेमेंट या हमारी पेमेंट, ऐसा वाला नहीं रखा। आज जो है ना रात में पार्टी करा, बस आज आज रात की पार्टी, फिर उसकी तरफ से अगर मैं हार गई तो मैं करवाऊंगी और अगर सैरिश आप हार गई तो फिर आप करवाएंगी। डन हो गया, चलो डन करो। चलो डन हो गया और हम ये स्टार्ट करें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके या बिस्मिल्लाह करके। भाई अल्लाह जी, चले पानी हम लोग पी सकते हैं बीच में कब? नहीं नहीं नहीं, चीटिंग है, नहीं पानी पीना ही नहीं है, पानी पीना ही नहीं, पानी नहीं पीना, जिसने पहले हाथ लगाया पानी को वो होगा लूजर। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टाइम वगैरह की कोई पाबंदी नहीं है, बस सबसे पहले जिसने खत्म कर लिया वो। अल्लाह जी सर, मुझे तो डर लग रहा है, मुझे कसम से डर लग रहा है सच में। इसको इस खौफनाक को देख के ना, देखें इसको, देखें आप लोग गौर से, इतना स्पाइसी, फुल स्पाइसी और रेड रेड सा हुआ है। अब हमें मजा, एक एक चैलेंज भी है कि खा के देख बताना है। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के सारी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1 2 3। ओह माय गॉड, इसको शॉर्ट तो कर लेते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Oh my God, बहुत बड़े बड़े हैं, so spicy, बहुत ज्यादा spicy है सैरिश। Oh my God, एक bite लिया मैंने, फूड भर के लिया और मेरी बस हो गई है सैरिश। एंजॉय करके खाओ ताकि फील ना हो। एंजॉय कैसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी है। फर्स्ट बाइट में तो पता नहीं चला, आप पता चल रहा है। आपने ट्राई किया है ना सैरिश, उस वजह से आपको पता नहीं चला, लेकिन मेरे ना अंदर से जो मुंह है ना पूरा जल रहा है और जो मेरे लिप्स है ना, लिप्स भी जो है ना वो होने लग गए हैं। दो बाइट में ही जलने लग गया सैरिश। मैं भर भर के दे रही हूँ, सैरिश थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। नहीं मैं भी भर के दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बाउल खत्म नहीं हो रहा।
उस एरिज का मुझे लग रहा है कम है, चीटिंग तो नहीं की कहीं आपके सामने ही डाला है। ओह माय गॉड, पानी पी सकते हैं? ओह माय गॉड, पानी नहीं पीना, पानी बस ऐसे ही रखे फिर हम लोगों ने। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सरिश सो मच स्पाइसी, ओह माय गॉड, सरिश बाकी कितने आ गए तुम्हारे नीचे से जो एंड के आ रहे हैं ना वो ज्यादा ही स्पाइसी आ रहे हैं, ज्यादा ही स्पाइसी आ रहे हैं। बाकी नीचे वाले बहुत ज्यादा स्पाइसी है, कैसे कट करें? और कमेंट में आप लोगों ने भी बताना है किस किस ने ये ट्राई किए हुए, हमारी जैसी फीलिंग्स थी या नहीं थी। मैंने तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सुना हुआ बहुत ज्यादा था लेकिन फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और मजा आ रहा है। ओह माय गॉड, लेकिन तो कम लेंगे। ओह माय गॉड, ओए मैं बातों में लग गई। पानी पी लूं फिर आप लोगों से बात करती हूँ और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए या नहीं। अब ये बताएं जरा, ये मैं भी जो है वो डर रही थी, डरने वाला बंदा जीत सकता है? मुझे इन्होंने बातों में लगाया, थोड़ी सी चीटिंग हुई है, इन्होंने मुझे बातों में लगाया है। नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया सरिश, नहीं ये बेईमानी है। नहीं मुझे इन्होंने बातों में लगा के खुद, और जब मैंने देखा है सरिश पूरे वोट जो है ना जल रहे हैं, खा तो लिया लेकिन स्टमक का क्या हालत होगी सरिश, मैदे की क्या हालत होगी कुछ पता नहीं है। नोजी भी क्यों नहीं रखे तो नोजी भी आ गई, नोजी के साथ मेरे 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 तो आंसू भी आ रहे। जी सरिश कैसा लगा सच में? मेरी जुबान लाल हो गई है, अभी तक भी पानी पी लिया है, पता नहीं चला कि हमने पानी पिया है कि थोड़ा सा आंसला हुआ है, ऐसा लग रहा है अभी भी। जब मैं खा रही थी ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लगा मुझे। जब मैं खा रही थी तो मिर्चें लग रही थी, खाई जा रही थी मिर्चें लग रही थी, लेकिन अब जब ख़त्म हो गया है ना तो ऐसा लग रहा है कि जो जुबान है ना वो साथ है ही सच में। खाने के बाद मुँह जल रहा है, खाने के बाद मुँह जल रहा है, होंठ पूरे जल रहे हैं और अंदर जाके पता नहीं मैदे शदे का क्या हाल होना है कुछ पता नहीं है सरिश, लेकिन चले अल्लाह ताला। अच्छा वैसे आप लोग मुझे ये बताएं ये मिर्ची खत्म होगी कैसे? पता नहीं कैसे खत्म होगी, चीनी खाएं। चलो आप मुझे आइसक्रीम खिलाओ। चलो मुझे आइसक्रीम खिलाओ। जीती मैं हूँ आइसक्रीम। ये भाई मिर्ची भी तो खत्म करवानी है ना भाई, देखो अपने घर बुला के क्या खिला दिया और अब रात का खाना जो मैंने खिलाना था कि मेरे घर आई हुई है,
अब खिलाएंगी सैरेज, ये मजा। अब आप लोग बताएं खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। अगर कहीं भी जरा सी भी चीटिंग नजर आ रही है ना तो जरूर बताना है आप लोगों ने। नहीं नहीं नहीं, कहीं भी चीटिंग नहीं हुई। मेरे YouTube चैनल वालों को पता है और मेरे सब्सक्राइबर को पता है कि मैं भी चीटिंग नहीं, स्टार्टिंग में मैं जीत रही थी, ये बातों में लगाया। सच में मुझे नहीं पता लगा कि वहां पे एक दो बाइट रह गई और मेरा अच्छा खासा बॉल पड़ा। अच्छा खासा बॉल पड़ा, वाकई क्या हुआ पता नहीं कैसे। मुझे पूरा यकीन था कि मैंने जीता है। चले आप रिव्यू दें कि आप लोगों को किस किस जिस जिसने ट्राई नहीं किया हुआ उनको ट्राई करना चाहिए नहीं करना चाहिए बताए। करना तो चाहिए, जैसे जो मेरे साथ हुआ ना सबके साथ होना चाहिए। सबके साथ होना चाहिए और सब ट्राई करें। और जरूर बताइएगा किस किस ने ट्राई किया है और किस किस ने नहीं किया और कौन कौन कर चुका है, जरूर बताइएगा। और चिटिंग का मुझे बता दें, मुझे थोड़ा सा आसरा हो जाएगा कौन कौन मेरे साथ है। और अगर कई ईमानदारी से बताएगा ना कि नहीं हुई तो वो भी थोड़ा सा बोल देना कि हाँ हुई है। नहीं, 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 नहीं। बिल्कुल भी नहीं बताना। अच्छा हम लोगों ने तो आप लोगों के साथ अपना रिव्यू कर दिया और बहुत मजा आया है और काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये चैलेंज। अच्छा अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। अब जो टंग की जो वो थी ना मिर्ची, वो तो खत्म हो गई है, लेकिन जो ये लिप्स पे लगी है ना मिर्ची, इसकी तो जलन ही खत्म हो रही है। बाकी इसकी जलन खत्म ही हो रही है, लेकिन बहुत मजा आया है। मैंने अभी छोटी बहन के साथ ये चैलेंज किया है। बाकी सब अभी पता है स्टार्ट, अभी मेरे बाल गीले थे, मैं कह रही हूँ मेरे बाल सूखने दो। नहीं 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 नहीं, मेरे मतलब जल्दी जल्दी से करें ताकि अब बन गया तो ठंडा ना हो जाए, ताकि हम जल्दी जल्दी से खा लें। तो ये हमारा चैलेंज था जो आप लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत शेयर किया, किया है और आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और जिस जिसने ट्राई किया वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उनको भी हमारी तरह मिर्चें लगी थी या नहीं लगी थी। और जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो जल्दी से ट्राई करें और वो बताएं कि हम भी लास्ट में ट्राई करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो सैरिश। मजा आया, बहुत अच्छा लगा महेश के साथ ऐसा चैलेंज करके। हार गए कोई बात नहीं। आप लोग और बताइएगा कि मैं और सैरिश आप लोगों को, आप लोग कौन से चैलेंज किस कौन कौन से चैलेंजेस देखना चाहते हैं, गोल गप्पे के हो या कुछ और भी हो। हम लोगों ने लास्ट हमारी नोजी नहीं आ रही, पता नहीं स्पाइसेस कम थे शायद। नहीं 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 नहीं, मैं अपने क्या नाम है ना सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ, मैं वीडियो को खत्म करना चाह रही हूँ ताकि मैं जल्दी से किचन में जाऊँ और चीनी भी नहीं खाऊँ या तो आइसक्रीम खाऊँ या कुछ चीज इस तरीके से, केक भी पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा लेके खाऊँ तो मैं क्या करूँ। तो जल्दी से बस मैंने किचन में जाना है तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगी। और मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, किसी नए चैलेंज के साथ, किसी नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी शिजाज को और सैज काशान को दें इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मजे की बात, अल्लाह हाफिज करके उठा ही नहीं जा रहा।